देवास जिला मुख्यालय पर विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति की विविध झलक देखने को मिली। इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर भव्य रैली निकाली। रैली में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और अमू आखा एक छे जय लोहार नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान जैसे नारों के साथ रैली में शामिल हुए। मंडल की थाप और बांसुरी की धुन पर आदिवासी लोक नृत्य भोंगरिया ने सभी का मन मोह लिया। हजारों आदिवासी महिला और पुरुष पीला झंडा और तिरंगा हाथ में लेकर रैली में शामिल हुए। रैली के दौरान समाज के लोगों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य अपनी संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखना है और यह संदेश देना है कि आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं और उनका संरक्षण जानते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की एकता और समृद्धि भारत के भविष्य को उच्च कोटि का बनाए रखने में सहायक है। ये हम लोगों का एक त्योहार की तरह हम लोग इसको मनाते हैं, इसलिए हमारे अधिकार के लिए हम इसको मनाया जा बनाए रहे हैं। ये स्वास्थ्य गार्डन भोपाल चौराहे से शुरू हुई थी और वहीं जाकर खत्म होगी। ये पूरे देवास जिले से आए हुए हैं, मंडला से भी आए हुए हैं, कन्नौज खातेगांव सभी जगह से यहाँ पे लोग। बस हम लोगों का त्योहार है तो हम उसको मना रहे हैं बड़े हर्ष के साथ सभी लोग मिलकर। जी ये हमारी संस्कृति है, मूल संस्कृति है, इसलिए बहुत धूमधाम से मना रहे हैं इसको। और इसके साथ साथ हमें एक संदेश देना है, हमारे पूरे विश्व में एक संदेश हमको ये देना है कि हम जो आदिवासी है जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं, उस प्रकृति को हमेशा मतलब बचा के रखना है। और जो अभी जो जल जंगल जमीन है घटते क्रम में है, देखो कितनी गर्मी, बारिश नहीं हो रही है, अनाज पैदा नहीं हो रहे, हम खाएंगे क्या बताइए। आगे का भविष्य के लिए हमें ये सब करना है, तो हम इसके साथ साथ पौधे दे रहे हैं, पौधे लगाना है और जंगलों को बचाना है। झील जंग बारिश जो होती है वो जंगलों के माध्यम से ही होती है, तो जो गर्मी हो रही है अभी आप देख रहे कितनी धूप है, तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। समय पे बारिश हो, समय पे गर्मी हो, समय पे ठंड हो, यही चीज़ हम सभी लोगों को जागृत करने के लिए हम आज रुके। मैं सुनीता उइके स्वास्थ्य गार्डन से निकाली गई है और ये इसका उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति और संस्कार सभी बचे रहें और हम भारत देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति का संरक्षण करना जानते हैं। जब तक आदिवासी यहाँ रहेगा तब तक ये प्रकृति संचरित रहेगी और समृद्धि रहेगी, भारत देश उच्च कोटि के ऊपर जाएगा, उज्ज्वल होगा भविष्य भारत का। हम ये उद्देश्य हमारा है कि हमारे कल्चर को हम बचाए रखें, हमारे बच्चों को हम बचाए, अगर संस्कृति को अडाप्ट कर रहा है हमारा संस्कृति, तो इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम हमारे बच्चों को बताएं कि हमारे वेशभूषा, हमारी संस्कृति, हमारे नाच संस्कृति पूरी इसका पूरा हमारे बच्चों को दिखाया जा रहा है ये। और विगत 3 वर्षों से ये देवास में निकाला जा रहा है और करीब ये 5,000 के करीब ये रैली में सम्मिलित लोग हैं हमारे और हर वर्ष आते हैं, इससे अधिक भी आते हैं और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये 1993 से जनेवा में इसका हुआ था विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष में और इसको हम 1994 से भारत देश में मनाया जा रहा है। भैया बताया आज 9 अगस्त को प्रतिवर्ष अनुसार सर्व आदिवासी समाज द्वारा जिला स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस देवास में मनाया जाता है, जिसमें देवास जिले के गोंड, कोरकू, भील, बिराला, पटेलिया, भारिया, कोरकू समस्त जनजाति के लोग एक अपनी एकता का परिचय देते हुए एक समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि भारत के संविधान का हमेशा हमें पालन करना चाहिए और उनके नियम और के साथ हमें चलना चाहिए। ये विश्व आदिवासी दिवस लगभग 3,500 से 4,000 लोगों की संख्या है, जिसमें देवास जिले के अतिरिक्त अन्य तहसीलों से भी जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन आते हैं वो इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आदिवासी एक है, इसमें अगर अत्याचार हो रहा है तो हम सभी एक साथ खड़े हुए हैं, हमें प्रशासन के नियमों के अनुसार हम पालन करते हैं। आपका परिचय राकेश कुमरे देवास से, ब्यूरो अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।